नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। महाभारत काल के चौसर यानी जुए के खेल में पांडवों ने एक बार अपनी पत्नी द्रौपदी को हार कर उसका चीर हरण होते देखा था, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण थे जिसने द्रौपदी की इज्जत और सम्मान को बचाया था। लेकिन कलयुग में हुए इस जुए के खेल में इस द्रौपदी को बचाने के लिए कोई कृष्ण नहीं आया। मानवता को शर्मसार करने वाला यह मामला भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हसनगंज मोहल्ले से सामने आया है, जहां अपनी पत्नी को जुआ में हारने के बाद जुआरियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं जब महिला ने अपने साथ हुई घिनौनी हरकत के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, तो दरिंदे पति ने अपनी पत्नी के शरीर पर तेजाब डालकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जानकारी के अनुसार घटना 2 नवंबर की बताई जा रही है। पति के शिकंजे से बाहर निकली पीड़िता किसी तरह जिच्छो स्थित अपने मायके पहुंची और अपने साथ हुई दरिंदगी की कहानी जब घर वालों को बताई, तब जाकर लोगों को घटना की जानकारी मिल पाई, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता दीपक सिंह ने सीनियर एसपी समेत पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। सीनियर एसपी ने पहल करते हुए सबसे पहले मुजाहिदपुर थाना में मामला दर्ज करवाया, उसके बाद महिला थाना में भी पीड़िता का बयान दर्ज करवाया गया, जिसके बाद सीनियर एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पति सरोज हरिजन को गिरफ्तार कर लिया और सभी आरोपियों को एसपीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलवाने की बात कही। गुनेगारों को सजा दिलाने की बात तो सीनियर एसपी द्वारा कह दी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि लोगों को यह कब समझ में आएगा कि औरतें या लड़कियां कोई खेलने का खिलौना नहीं है जो कोई भी आकर उसके साथ खेल सके। 21वीं सदी में हुई ये घटना मानवता को हर तरीके से खत्म कर रही है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए सिल टीवी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करें, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।